आज मंडल दिवस मनाया जा रहा है और हमारे साथ दिल्ली से एक शख्स जुड़े हैं। मैं उनसे जानूंगी कि सर वो कहाँ से हैं, किस पार्टी को वो समर्थित अपना वोट देते हैं, क्या उनकी विचारधारा है और वो किस विचारधारा को फॉलो करते हैं। सर आप मुझे बताइए आपका नाम। मेरा नाम रोम सिंह है, मैं लेबर पार्टी ऑफ इंडिया का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। ये पार्टी मैंने नहीं बनाई और ना ही मैंने इसका पंजीकरण कराया। ये पार्टी 15 अगस्त 1935 को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने इसको बनाया था ब्रिटिश भारत में। इस पार्टी का मैं 5वां राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आज 2018 में मैं इलेक्शन कमीशन से मनोनीत अध्यक्ष हुआ हूँ और तब से इस संगठन को मैं चला रहा हूँ। मेरा इस देश के लोगों से सिर्फ इतना कहना है कि जब तक हम विचारधाराओं को लोगों के बीच में नहीं रखेंगे और विचारधाराओं को लेकर के नहीं जाएंगे और अलग अलग महापुरुषों के नाम से हम समाज में एक दीवार को खड़ा करेंगे, उससे कभी भी बहुजन शोषित समाज इकट्ठा नहीं हो सकता। सर आपने अलग अलग बहुजन उनके नेताओं के बारे में बोला, कौन अलग अलग बहुजन? देखिए बहुजन नेताओं में जितने भी महापुरुष हैं वो एक साझा विरासत है बहुजन समाज, लेकिन पार्टी और संगठनों के लोगों ने उन्हें अपने मतलब के लिए अलग अलग जाति के नाम से संबोधित करना शुरू कर दिया है। उनको बांटा गया है, वो बटे हुए नहीं है। मेरा कहने का मतलब देश के अंदर दो तरीके की जाति व्यवस्था है, एक अंबेडकरवादी जाति व्यवस्था, एक ब्राह्मणवादी जाति व्यवस्था। जो ब्राह्मणवादी जाति व्यवस्था है वो व्यवस्था हमें देश में जातियों में उन जातियों में विभाजित करती है जो जो वर्ण व्यवस्था की है, जैसे यादव जाति है, जैसे जाटव जाति है, जैसे तमाम अनुसूचित जाति, तमाम पिछड़ी जाति की जो जातियाँ हैं जो वो ब्राह्मणवादी, अलग अलग जातियाँ उनका एक कोई समूह नहीं है। लेकिन सर यादव जो आपने जाति की बात की वो तो अपने आप को ब्राह्मण जाति से कम नहीं समझता है सर, ऐसा वो सर? उसी पर मैं जा रहा हूँ। कहने का मतलब है कि हम जब तक अपने अस्तित्व को समझ नहीं पाएंगे तब तक हम ब्राह्मणवादी व्यवस्था को लेकर के ढोते रहेंगे अपने सिर पर और समाज संगठित नहीं हो पाए। अगर ब्राह्मणवादी व्यवस्था को मान लिया जाए तो वहाँ चार तरीके से समाज विभाजित है। चौथी समाज में भोजन पिछड़ा, ये जितने भी जातियाँ हैं अनुसूचित जाति पिछड़ी जाति ये सब जातियाँ शूद्र समाज में ही आती हैं। पर हमने क्या है कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए हम क्षत्रिय बन गए, हम कश्यप ऋषि के वंशज बन गए, हम रामायण के मुताबिक निषाद राज के वंशज बन गए। लेकिन ये सब वंशज बनने से हासिल क्या हो रहा? समाज तो बढ़ रहा। अब हमें समझना ये होगा कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था के जितने भी सिद्धांत जितने भी कार्यशैली है उनको त्यागना पड़ेगा और डॉक्टर अंबेडकर की संवैधानिक व्यवस्था जो है अनुसूचित जाति समाज, अनुसूचित जनजाति समाज, पिछड़ा जाति समाज और अल्पसंख्यक वर्ग, इस संविधान में इन चार जातियों चार कैटेगरी जातियों के समूह के रूप में बनाई है। और जब तक ये समूह मजबूत नहीं होंगे तब तक हिस्सेदारी की बात करना और हिस्सेदारी प्राप्त कर पाना बहुत मुश्किल है। आप जाति जनगणना को किस नज़र से देखते हैं? जाति जनगणना बहुत आवश्यक पॉइंट है क्योंकि उसमें हर आदमी की हर जाति की एक परसेंटेज निकल के आएगी और उसे उसमें भागीदारी मिलेगी। वो बहुत ही आवश्यक चीज़ है। अगर वो नहीं होगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम कितने हमें कितना मिल रहा है? जाति जनगणना महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसकी लड़ाई 31 से लगातार लड़ी जा रही है और पिछड़ी जाति के लोग आज तक उस चीज़ को पूरी तरीके से नहीं करवा पा रहे। आप इस जाति जनगणना को किस नज़र से देखते हैं? मैं इसे बहुत अच्छी नज़र से देखता हूँ, तरक्की की नज़र से देखता हूँ, भागीदारी की नज़र से देखता हूँ, अधिकारों की नज़र से देखता हूँ। मैं इसको बहुत आवश्यक मानता हूँ और ये हमारे उत्थान के लिए बहुत ज़रूरी भी है, इसलिए जाति जनगणना होनी ही चाहिए और 2021 में ही होनी चाहिए। तो देखा सर, जिस तरह से सर ने कहा कि जो हमारे जो चार जातियाँ जो हम लोग जाति जो बात करते हैं उनको अभी और मजबूत होने की ज़रूरत है। वो अभिता गौतम के साथ आप देख रहे हैं द मूक नायक।